हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक मज़ेदार चीज़। ठीक है, वो मज़ेदार चीज़ ये है कि बहुत बार हम ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो हमें बहुत बार एक चीज़ का सामना करना होता है कि हम अपने फ़ोटो साइन को कैसे क्रॉप करें, कैसे उनकी साइज़ को सेट करें, कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉपर साइज़ कैसे सेट करें जो अपलोड करनी है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं गया यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास में एक स्कैन कॉपी पड़ी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट या डेटा स्कैनर से ही स्कैन करें। आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से भी फ़ोटो साइन का फ़ोटो खींच कर या डॉक्यूमेंट का फ़ोटो खींच कर उसको कंप्यूटर में ले सकते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर के ज़रिए आप आसानी से उसको उसकी साइज़ सेट कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मेरे पास में एक फ़ोटो और साइन है, तो मुझे इसमें से फ़ोटो क्रॉप करके अलग करनी है, साइन क्रॉप करके अलग करना है। ठीक है, और साइज़ सेट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो देखो, अगर आपके कंप्यूटर में अगर विंडो 10, विंडो 11 ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हर इनके अंदर एक ऑप्शन होता है। सबसे पहले अपन राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाएंगे, और यहाँ पर फ़ोटोज़, ठीक है, आपको फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फ़ोटोज़ पे क्लिक करोगे तो ये देखो फ़ोटो और साइन ओपन हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है एडिट इमेज, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई, तो ये ऑप्शन काम आता है क्रॉप करने के लिए, काम में लेंगे इसको अपन। इस पर क्लिक करना है अपने को। जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो देखो ये इधर क्रॉप एंड रोटेट का ऑप्शन खुल गया। तो यहाँ से आप अपने इस फ़ोटो के स्क्रीन की जो लाइन्स आ रही है इनको सेलेक्ट करोगे और आप फ़ोटो की तरफ सेट कर सकते हो। और यहाँ से स्ट्रेटिंग के ज़रिए आप फ़ोटो को सीधा टेढ़ा कैसे भी कर सकते हो, अगर कोई टेढ़ा फ़ोटो है तो उसको ऐसे सीधा कर सकते हो। ठीक है, अब इस फ़ोटो को इजीली मैंने यहाँ पे सीधा किया। ठीक है, और इधर से पकड़ कर मैं इसको इधर से भी बराबर कर देता हूँ और इधर से भी बराबर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉप फ़ोटो। अब देखो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे रखा है सेव कॉपी। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर जो मैंने फ़ोटो क्रॉप किया है मैं उसकी सिर्फ कॉपी सेव करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करूँगा, ये सेव अ कॉपी पे मैंने क्लिक किया। जैसे सेव अ कॉपी पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो है मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पर न्यू फोल्डर में सेव कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर फ़ोटो को किया तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फ़ोटो। ठीक है, फ़ोटो मैंने ये सेव पर क्लिक कर दिया। ठीक है, ये कॉपी यहाँ पर सेव हो गई। ठीक है, सेव हो गई। अब सेव होने के बाद आप क्या करेंगे, सेव होने के बाद में अपन यहाँ पर ये जो फ़ोटो सेव हुई है इसको अपन बंद कर देते हैं और फिर से हमारी मेन फ़ोटो पे जाएंगे। अब देखो इसमें से फ़ोटो काट कर अपन ने अलग कर ली, ठीक इसी तरह साइन भी अलग कर लेंगे। तो अपन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर से अपन ओपन विथ में जाएंगे और वहाँ पर फ़ोटोज़ पर क्लिक करेंगे, फ़ोटोज़ पर क्लिक करेंगे। अब दोबारा अपन यहाँ पर जो है एडिट फ़ोटो पे जाएंगे और यहाँ से अपन इसको सेलेक्ट करके केवल अब अपने को साइन लेना है। ठीक है, तो मैं इसको साइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, हाँ यहाँ पर देखो ये साइन सेलेक्ट हो गया, साइन सेलेक्ट हो गया, और इस पर भी मैं सेव एज कॉपी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जैसे मैंने नाम लिख दिया साइन। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन भी सेव हो गए, फ़ोटो भी अलग हो गया और साइन भी अलग हो गया। मेन कॉपी अपने देखो एज इट इज़ पड़ी है क्योंकि अपन ने फ़ोटो और साइन दोनों को एज अ कॉपी सेव किया है। ठीक है, अब इस फ़ोटो को अगर आप राइट क्लिक करोगे और इस फ़ोटो की प्रॉपर्टी में जाओगे आप, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो की एक्चुअल साइज़ वगैरह दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ डिटेल्स में गया तो यहाँ पर देखो फ़ोटो की साइज़ दिखा रहा है यहाँ पर विड्थ और हाइट, कि इस फ़ोटो की जो विड्थ है वो 210 पिक्सल है और हाइट जो है वो 291 पिक्सल है ना। तो बहुत बार कुछ कुछ वेबसाइट्स होती है जहाँ पर अपने को कोई फॉर्म वगैरह भरना होता है, गवर्नमेंट वेबसाइट हो या कॉलेज की हो या स्कूल की हो, तो वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया लिखा होता है कि भाई फ़ोटो का साइज़ ये होना चाहिए, साइन का साइज़ ये होना चाहिए, तो वो साइज़ अपन कैसे सेट करें। ठीक है, तो जैसे सपोज़ इस फ़ोटो की साइज़ मेरे को सेट करनी है जैसे 210 इंटू 291। देखो अगर आप अपने माउस का पॉइंटर फ़ोटो के ऊपर लेके जाओगे तो भी इस तरीके से अपने को फ़ोटो की डिटेल दिखाएगा, साइज़ भी दिखाएगा। देखो 35.1 KB इसकी साइज़ भी है। ठीक है,
तो ये साइज सेट करना या इसका डायमेंशन सेट करना, तो वो कैसे करेंगे? तो फिर से अपन फ़ोटो पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ में जाएंगे और फ़ोटोज़ में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ मैं फ़ोटोज़ में आया, और फ़ोटोज़ में आने के बाद में यहाँ पर ये जो थ्री डॉट बने हुए हैं इसके ऊपर आप जाओगे। इसके ऊपर जाओगे तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है रीसाइज इमेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रीसाइज इमेज पे क्लिक करूँगा। जैसे ही रीसाइज इमेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है डिफाइन कस्टम डायमेंशन। इसका मतलब होता है कि मुझे मेरे अनुसार इसका जो साइज़ है वो सेट करना है। ठीक है, तो मैं डायमेंशन पे गया और देखो यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों ही ऑप्शन अपने को मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट लिखते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो वाला इसके आगे जो राइट है वो हटा देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो भी विड्थ चाहिए, विड्थ यानी चौड़ाई, हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है ना, जैसे सपोज़ करो मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे विड्थ चाहिए 250 और जो हाइट है वो मुझे चाहिए 350। ठीक है, ये मैंने 350, और जो हाइट और विड्थ का जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेजरमेंट वो पिक्सल्स में है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर ये क्वालिटी का पूछ रहा है कि आपको क्वालिटी हाई रखनी है या बीच में मीडियम रखनी है, लो रखनी है, जैसी आपको क्वालिटी रखनी है रख सकते हो। ठीक है, आपकी इस क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि ये फ़ोटो आपके कितने KB में सेव होगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 50% पे रख देता हूँ और सेव एज कॉपी पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेव एज कॉपी पे क्लिक करूँगा तो फिर से वो नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर फ़ोटो का आगे लिख देता हूँ 1, क्योंकि सेम नाम से सेम फोल्डर में सेम फाइल कॉपी नहीं हो सकती, वो रिप्लेस हो जाएगी, इसलिए मैंने आगे 1 लिख दिया और फिर मैंने सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया, अब मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। अब वापस आते हैं, देखो ये हमारी पहले वाली क्रॉप की हुई फ़ोटो 210 × 291 लिखा हुआ आ रहा है इसमें, और इसी फ़ोटो पे जा रहे हैं तो इस पे देखो एग्जैक्ट जो मैंने लिखा 250 × 350 ये इसका एग्जैक्ट डायमेंशन आ रहा है, और देखो साइज़ आ रही है 6.92 KB। करेक्ट, कभी कभी ऐसा होता है ना 10 KB से छोटी होनी चाहिए, 5 KB से छोटी होनी चाहिए, तो मुझे वहाँ पे क्वालिटी में और इसको कम करूँगा, लॉ पे ले जाऊँगा तो और कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ओपन करोगे तो दिखेगी प्रॉपर। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आप फोटो साइन किसी का भी डायमेंशन सेट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप ऐसे भी होते हैं जिनमें विंडो 10 नहीं होता है, विंडो 11 नहीं होता है, या विंडो 7 चला रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास कंप्यूटर में MS ऑफिस तो होता ही है, तो मेरा जो फ़ोटो को क्रॉप करना, फ़ोटो को सेट करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि ये जो फ़ोटो है, अब मैं वापस इस पर राइट क्लिक करूँगा और वापस ओपन विथ में जाऊँगा, तो ऑलमोस्ट कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, अगर ये है आपके कंप्यूटर में तो ईजीली आप इसके अंदर जाके भी इसको क्रॉप कर सकते हो, साइज सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में किया मैंने, तो देखो कुछ इस तरह की डिस्प्ले आई। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ऊपर ऑप्शन दे रखा है आपके एडिट पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एडिट पिक्चर पे क्लिक करूँगा, और एडिट पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर मेरे सामने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो जैसे कलर, ब्राइटनेस, क्रॉप, रोटेट, रेड आई, रीसाइज। तो हमारे लिए तो दो ही काम के हैं, क्रॉप और रीसाइज। ठीक है, क्रॉप क्या काम आएगा, क्रॉप करने के लिए, जैसे ये फ़ोटो मेरे को इसमें से फ़ोटो और साइन को क्रॉप करके अलग करना है, तो मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो देखो इजीली यहाँ पर फ़ोटो ऐसे मैं करके सेलेक्ट करके क्रॉप कर लूँगा, और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखो बड़ी हो गई। अब मैं यहाँ से पीछे जाऊँगा, जैसे फ़ोटो थोड़ी सी टेढ़ी है तो मैं यहाँ रोटेट पर क्लिक करूँगा, जैसे ही रोटेट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बाय डिग्री, तो यहाँ पॉइंट्स के ज़रिए मैं इस फ़ोटो को थोड़ा सीधा कर सकता हूँ। जी देखो थोड़ा सा सीधा कर लिया मैंने, और वापस जाऊँगा मैं, वापस क्रॉप पे क्लिक करूँगा और फिर से इसको एकदम बराबर प्रॉपर सेट कर देंगे। ये फ़ोटो को मैंने सेट कर दिया। ठीक है, फ़ोटो को मैंने सेट कर दिया, ओके, और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करूँगा फ़ोटो प्रॉपर सेट हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, अब हमें इस फोटो को सेव करना है, तो सेव कैसे करना है, सेव एज अ कॉपी, कि जब भी हमें किसी चीज़ की कॉपी सेव करनी होती है तो हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, तो मैं यहाँ सेव एस पे क्लिक करूँगा। अगर मैं इस सेव पे क्लिक करता हूँ या कंट्रोल एस दबाता हूँ तो ये फ़ोटो प्रॉपर इसी रूप में सेव हो जाएगी, जो और जो हमारी जो मेन फाइल है पीछे जिसके अंदर साइन भी मौजूद था वो फाइल हट जाएगी और उसकी जगह केवल ये फ़ोटो सेव हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल गलती ना करना, अपने को सेव एस करना है। अब यहाँ पर मैं सेव एस करूँगा और यहाँ पर इसको सेव कर दूँगा। जैसे मैंने फ़ोटो 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 वन नाम से तो सेव कर रखा है, तो मैं यहाँ फ़ोटो टू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि फ़ाइल रिप्लेस ना हो, ठीक है। और इसको मैंने ये सेव कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब या तो मैं यहाँ से बंद कर दूँ इसको, बंद करके वापस से उस फाइल को खोलूँ, नहीं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड दबाओ। आप कंट्रोल जेड दबाओगे तो पीछे की पोजीशन में आ जाओगे, ठीक है। इसके लिए भी वही, अब मेरे को साइन लेना है, फिर से मुझे क्रॉप पे जाना है और क्रॉप पे जाऊँगा और फिर मैं केवल साइन साइन ले लूँगा। यहाँ से मैंने यहाँ से ये साइन क्रॉप करके ले लिए और ये मैंने ओके कर दिया, ठीक है, ओके किया। और यहाँ से फिर मैं फाइल में जाऊँगा और सेव एज में जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा साइन वन, ठीक है, क्योंकि साइन नाम से मैंने पहले से एक फ़ाइल सेव करके रखी है, तो ये साइन वन करके मैंने सेव कर दिया, ठीक है। और अब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा और डोंट सेव कर दूँगा, ये मैंने इसको डोंट सेव कर दिया, है ना। तो देखो यहाँ पे फ़ोटोज़ क्रॉप होकर आ गई, ठीक है। अब बात करें रीसाइज़ की, तो वो भी ऑप्शन अपने को वहीं मिलेगा। जैसे देखो अभी फ़ोटो का साइज़ क्या है, 209x290 और 6.46 KB की है, ठीक है। तो अब मेरे को इसकी साइज़ सेट करनी है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर से मैं ओपन विथ में जाऊँगा और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इसको ओपन करूँगा, फिर दोबारा एडिट पिक पे क्लिक करूँगा और ये रहा हमारा रीसाइज़ ऑप्शन, ठीक है। रीसाइज़ ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर अपने को देखो ओरिजिनल साइज़ का ऑप्शन मिल गया। प्री डिफाइंड विड्थ, प्री डिफाइंड यानी जो पहले से सेट है, देखो तो यहाँ पर पहले से भी ये हर तरह की जो साइज़ है सेट होती है, जैसे 1024x768 पिक्सल, 800x600, ठीक है, 640x480, तो ये प्री डिफाइंड भी आप सेट कर सकते हो इन पे क्लिक करके, ठीक है। और आपको मैन्युअली करना है तो आप मैन्युअली भी यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर आप विड्थ और इधर हाइट लिख कर इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे 1024x768 इसका डायमेंशन रखना है, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो देखो फ़ोटो उस डायमेंशन में हो गई और बड़ी हो गई, और इसको अपन कंट्रोल एस दबा के सेव कर सकते हैं, क्योंकि अब अपने को इसकी कॉपी नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी ये कॉपीड है, ओके, तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो के ऊपर अपन इसको सेव करते हैं, जैसे मैंने पहले इसको सेव कर दिया डायमेंशन चेंज करके और फ़ोटो के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, तो देखो इसकी साइज़ लिखी हुई आ रही है 32.5 KB, ठीक है, 32.5 KB आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 20 KB से कम होनी चाहिए फ़ोटो, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यह परसेंटेज वाला जो ये ऑप्शन है ये काम आएगा आपको, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है और ये जैसे 100% है तो इसको कम कर दो, जैसे मैंने सपोज़ करो 100 की जगह मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ, ठीक है, और 70 करके ओके किया और फिर सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस दबा दिया मैंने, ठीक है। और अब मैं इस फ़ोटो के ऊपर जाऊँगा तो देखो अब एग्जैक्ट 20 KB आ रहा है, ठीक है, बट अगर किसी वेबसाइट पे 20 KB की मांग रहा है फाइल और ये एग्जैक्ट 20 KB आ रहा है, दैट मीन्स ये 20 KB से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने को 20 KB से अंदर का ही लेना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आकर यहाँ थोड़ा और कम कर दूंगा, मैं यहाँ 90 कर देता हूँ। देखो पहले मैंने किया था जो 70%, यानी फाइल 70% हो चुकी है, अब जो 70% है उसका 90% मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और ये मैंने ओके किया, फिर मैंने कंट्रोल एस दबाया और अब मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस ले गया तो देखो 17.4 KB की फाइल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे फ़ोटो की साइज़ क्रॉपिंग सेट कर सकते हो, ठीक है, और इसको मैं बंद कर सकता हूँ, ठीक। इसी तरह आप साइन का भी जो है सेट कर सकते हो, है ना, मज़ेदार। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।